हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे आप सीएस रैंक में 10 में से 8 मैचेस इजीली बुया निकाल सकते हो। तो अगर आपको भी अपनी रैंक हाई रखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग भी सीएस रैंक में बुया निकाल सको। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल वाले आइकन को ऊपर सेट कर देना। और गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना, बिकॉज हम 3K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऊपर सेट कर देना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारी वीडियो के 5th कैरेक्टर की तरफ। तो गाइस, जो हमारी वीडियो का 5th कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम होने वाला है कला। एंड इसको वैसे मैक्सिमम बंदे जानते होंगे बिकॉज ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था बिकॉज ऑफ फैक्ट्री फाइट्स, बट अब ज़माना बदल चुका है, अब वुकोंग एंड क्रोनो का ज़माना है, बट कोई ना छोड़ो। तो गाइस, लिस्ट का जो 5th कैरेक्टर है वो है हमारा कला, जिसके स्किल का नाम है मुआय थाई। एंड इसकी स्किल है फिस्ट डैमेज इंक्रीज बाय 400%। ये अपने फिस्ट का जो डैमेज है उसे इंक्रीज कर देता है 400% से। तो गाइज, अगर आप लोग कला यूज़ करते हो तो आपका जो फर्स्ट राउंड रहता है जिसमें G18 एंड ऑल पिस्टल्स आती हैं उसे आप इजीली विन कर सकते हो, बट आपको पहले एनिमी के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं जा चुका हूँ। आप पीछे देख सकते हो क्लिप में, अगर आपके पास कला है तो आप ऐसे किसी भी एनिमी को फिस्ट से डाउन कर सकते हो एंड आप अपना फर्स्ट राउंड जीत सकते हो। और फर्स्ट राउंड जीतने की एडवांटेजेस रहती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहती है, बिकॉज इसके बाद जो अपना हमारा सेकंड राउंड रहता है उसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिससे सामने वाले को डिसएडवांटेज मिलती है बिकॉज उसके पास कम पॉइंट रहते हैं और तुम लोगों के पास ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे तो तुम कोई भी SMG वेपन से उन्हें ईजिली मार सकते हो। तो गाइस, ये था हमारे लिस्ट का 5th कैरेक्टर। आप लोग बताना कि आपको ये कैरेक्टर कैसा लगा। और अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 4th कैरेक्टर की तरफ। तो गाइस, जो हमारी लिस्ट का 4th कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है केली। एंड केली को ज़्यादातर बंदे यूज़ करते ही हैं बिकॉज इससे तुम्हारी स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है 6% से। एंड इसकी स्किल है डेडली वेलोसिटी एंड इसकी स्किल है स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीजेस बाय 6%। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ये यूज़ करने पर आपकी जो स्पीड है वो 6% से इंक्रीज़ हो जाती है। और इसकी स्किल पैसे हुए एक्टिव स्किल नहीं है, मतलब आपको बार बार इसकी स्किल पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ऑन रहेगी। तो ये भी एक अच्छी कैरेक्टर है। और इससे अगर आप लोग, आपके सामने 4 एनिमी है या फिर कोई एक एनिमी है तो आप उसे भी इजीली घुमाकर डाउन कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी स्पीड कंट्रोल करनी सी आनी चाहिए एंड आप इजीली बंदों को मार सकते हो। आप पीछे क्लिप में देख सकते हो, अगर आपके पास केली है तो आप इजीली किसी भी बंदे को मार सकते हो एंड आराम से वो वाला राउंड विन कर सकते हो। तो गाइस, ये था हमारे लिस्ट का 4th कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के 3rd कैरेक्टर की तरफ। एंड लिस्ट का 3rd कैरेक्टर होने वाला है हमारा मैक्सिम। तो गाइस, मैक्सिम को अभी ज़्यादातर बंदे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आफ्टर अपडेट इसकी स्किल बहुत अच्छी हो चुकी है। एंड इसकी स्किल है ग्लूटनी एंड इसकी स्किल का नाम है ग्लूटनी एंड इसकी स्किल है ईटिंग एंड यूजिंग मेडिकेट्स फास्टर बाय 40%। गाइस, ये जो कैरेक्टर है ये मेडिकेट को 40% ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है मेडिकेट की स्पीड को। एंड जो हमारे रिपेयर किट होते हैं ये उसकी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर देता है बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप लोगों के पास मैक्सिम है और आप लोग डैमेज हो चुके हो, जैसा कि आप पीछे क्लिप में देख सकते हो, अगर आपको एनिमी ने पूरा डैमेज कर दिया एंड आपकी हेल्थ बहुत कम है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक ओवर में आना है और आप विदिन 5 सेकेंड्स आप पूरे हील हो जाओगे बिकॉज ऑफ मैक्सिम। एंड ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, अगर आप लोग इसे यूज़ करते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड हील करने के बाद आप लोग जाकर पूरे एनिमीज को मार सकते हो, एंड वाला राउंड आप आराम से बुया निकाल सकते हो। तो चलो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 2nd कैरेक्टर की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो चलो फिर गाइस, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 2nd कैरेक्टर की तरफ। एंड जो हमारी लिस्ट का 2nd कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम होने वाला है स्काइलर। तो गाइस, आप में से बहुत सारे बंदे इसकी स्किल के बारे में जानते होंगे। इसकी स्किल का नाम है रिपटाइड राइम, जो कि एक एक्टिव स्किल है। एंड इसकी स्किल है अनलिशेज अ सोनिक वेव फॉरवर्ड डैमेजिंग 5 ग्लू वॉल्स विद इन 100 मीटर, कोल डाउन इन टाइम है 40 सेकेंड्स। ऑल्सो ईच ग्लू वॉल डिप्लॉयड विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग HP रिकवरी बिगिनिंग फ्रॉम 9 पॉइंट्स, रिकवरी वेक डू नॉट स्टेक। तो गाइज, इसकी जो स्किल है वो आप लोग पीछे देख सकते हो, अगर आपके सामने कोई आप किसी एनिमी को डैमेज कर दो एंड वो एनिमी ग्लू वॉल लगा लेता है तो आप लोग उसे स्काइलर का जो ओरा रहता है रेड वाला, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, उससे आप उसकी ग्लू वॉल तोड़ सकते हो एंड
उसके ग्लोव तोड़ने के बाद उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आएगा और उसे आप इजीली डाउन कर सकते हो एंड आप वाला में जीत सकते हो। एंड इसकी एक और स्किल है जो कि आप वो भी पीछे देख सकते हो गाइज, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पर आपके पास मेडिकेट नहीं है बट आपके पास ग्लोवल है, तो आपको सिंपली एक ग्लोवल लगा लेनी है और आप देख सकते हो ग्लूवल आपको हील करेगी बिकॉज ऑफ स्काइलर। इसकी स्किल ही ऐसी है, ये आपको हील करेगी जब भी आप ग्लूवल लगाओगे। एंड गाइज ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है अगर आप किसी कस्टम में खेल रहे हो जिसमें कैरेक्टर स्किल ऑन है, तो आप वहाँ पर स्काइलर लेकर चले जाओ एंड बिना मेडिकेट के आप वो मैच बुरा निकाल सकते हो। तो गाइज कमेंट करके बताना तुम लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा। एंड अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी नज़रों में, जिसका नाम है वुकोंग। इसकी स्किल का नाम है कोम्यू फ्लैग एंड इसकी स्किल है ट्रांसफॉर्म इनटू अ बुश लास्टिंग फॉर 15 सेकंड कूल डाउन टाइम, 200 सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप व्हेन वुकोंग अटैक्स, कूल डाउन रिसेट व्हेन वुकोंग टेक्स डाउन एन एनिमी। तो गाइस आफ्टर अपडेट तुम लोगों को पता होगा वुकोंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो गाइस पीछे तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोगों के पास वुकोंग है तो तुम इजीली पूरी स्क्वाड को मार सकते हो। देख लो गाइस पीछे मैंने पूरी की पूरी स्क्वाड को मार दिया बिकॉज ऑफ वुकोंग। वुकोंग एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आफ्टर अपडेट, पहले भी अच्छा था बट जब से इसका किल करने के बाद कूल डाउन टाइम खत्म हो जाता है जब से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। एंड पीछे आप लोग देख सकते हो आप पूरी स्क्वाड को मार सकते हो बिकॉज ऑफ वुकोंग एंड योर स्किल्स। तो गाइस कमेंट करके बताना तुम लोगों को ये कैरेक्टर्स कैसे लगे एंड अगर तुम लोगों को स्किल कॉम्बो चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम लोगों को इसी टाइप की और वीडियोज चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.